मोड्यूल फोर इकनॉमिक माइक्रो इकनॉमिक मैक्रो इकनॉमिक जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली अबाउट द एलोकेशन ऑफ स्के इन एन इकोनॉमी और जब आप सोसाइटी की बात करोगे तो सोसाइटी में प्रोड्यूसर्स भी होते हैं आपके पास कंज्यूमर्स भी हैं और ये जो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स हैं दे हैव टू मेक अ चॉइस अमंग द अल्टरनेटिव्स ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सचेंजिंग एंड कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज जब आप इकोनॉमिक्स को हम ब्रॉडली आप कह लें कि इकोनॉमिक्स कैन बी डिवाइडेड इन टू ब्रांचेज। वन इज माइक्रो इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रोड्यूसर क्या करेंगे कंज्यूमर विल डिमेंड गुड्स एंड सर्विसेज वेल द प्रोडूसर आर सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेस और इनकी डिटर्मिनेशन रोल किस चीज का आएगा कि ऑफ ऑफ दिस गुड्स एंड एंड सर्विसेज हैव सम रोल इन 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 द चॉइस कंज्यूमर प्रोड्यूसर जब हम प्राइसिसमर चॉइस की बात करते हैं तो वहां पे ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर इज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन बाईज लिमिटेड रिसोर्सेज जब आप प्रोड्यूसर वाले एंड पे जाते हो तो हम वहां पर कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोड्यूसर इज टू मेक एन एफिशियंट प्रोडक्शन हम वहां पर कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर इज टू मैक्सिमाइज इज प्रॉफिट अब ये जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होगी तो इसके लिए भी हमें क्या हो? आप कह लें कि दे द आउटपुट साइड एंड अदर वन इज इनपुट साइड यहाँ पे ही हैज प्रोड्यूस मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट बाय यूजिंग द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज या यूं कह लें कि जब आप एफिशियंट प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम वहां पर कहते हैं कि प्रोड्यूसर विल ट्राई टू अचीव द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट बाई यूजिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस और जब हम इन दोनों इनकी बात करते हैं तो ये सारे कंज्यूमर ने आप कह लें कंज्यूम करनी है गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूसर ने क्या करना है प्रोड्यूसर्स की इंटरेक्शन कहाँ पे आएगी या इंट्रेक्शन होगी इन मार्केट जब आप मार्केट्स की बात करोगे तो हमने वहां पर आप कह लें माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो यूजली कैटेगराइज मार्केट्स अंडर टू सब हेडिंग हम कहते हैं और एक होती है आपके पास इम मार्केट अब ये जो बिहेवियर है प्रोड्यूसर का इट विलोड जब आप इम्परफेक्टलीट की बात करते हो तो आपके पास जो सेलर्स वाले एंड पे है इफ देर आर देर ऑन देश ऑफ दंबर ऑफ सेलर हम वहां पर इम्परफेक्टली कंपेटेटिव मार्केट में बात करते हैं अबाउट मोनोपलिस्टिक मोनोपली की हम बात करते हैं अबाउट

फिर जब जब हम बात करते हैं अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द एग्रीगेट्स वो के सपोज अगर मैं एग्रीगेट लेवल पे बात करूं कि व्हाट आर द मैक्रो मैक्रो टारगेट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी व्हाट आर द टारगेट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी तो हम कह सकते हैं टारगेट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी हाँ जी वहां पर ऑब्जेक्टिव होगा टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट हम वहां पर बात करेंगे अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल एंड वोनट्री पॉलिसी हम वहां पर बात करेंगे अबाउट

रिलेटेड टू इन्फ्लेशन या किसी भी आप कह लें किसी भी मैक्रो इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट हैजू रेगुलेट फिजिकल एंड मॉनिटरी पॉलिसी अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो जो भी मैनेज करेगा अबाउट फिजिकल एंड मॉनिट्री पॉलिसी वो भी कहां पर आएगा अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स और जब आप फिर यही पर हम बात करते हैं अबाउट ट्रेड बैलेंस की अब मैं इस चीज को चले टू मेक अ डिफ्रेंसिएशन बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक वेन एवर टैक्स इज इंपोस्ड टैक्स इज इम्पोज ऑन कंज्यूमर तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा इट विल डिक्रीज द डिमेंड बाई अ पर्टिकुलर कंज्यूमर जब हम इम्पैक्ट ऑफ टैक्स की बात करेंगे तो यहां पर हम बात करते हैं अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक जब हम बात करेंगे अबाउट इम्पैक्ट ऑफ टैक्स ऑन एंड इकोनॉमी तो वहां पर हम बात करते हैं वी आर मेकिंग डिस्कशन अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स ऑन अंडर माइक्रो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव एट एग्रीगेट लेवल व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन दी कि जब आप इंडिविजुअल कंजम्पन की बात करेंगे हम बात करें अंडर माइक्रो इकोनॉमिक जब हम एग्रीगेट कंजम्पन की बात करेंगे जो भी आपके पास हम स्टडी कर सकते हैं इंपैक्ट ऑफ टैक्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव एंड वी कैन स्टडी इंपैक्ट ऑफ टैक्सेज आर सब्सिडीज अंडर माइक्रो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव जब माइक्रो में करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे करेंगे जब एग्रीगेट लेवल पे हो जाएगा देन इट इज मैक्रो इकनोमिक्स